हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने जीवन को सुखमय बनाने के लिए अनेक चमत्कारिक टोटके एवं उपायों की रचना की है। लाल किताब दुनिया की जानी मानी ज्योतिष तांत्रिक किताब है, जिसमें अनेक प्रकार के चमत्कारिक उपाय बताए हैं। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को धन प्राप्ति करने का एक चमत्कारिक एवं कारगर उपाय बताऊंगा। देखिए मित्रों, जो उपाय होते हैं, जो टोटके होते हैं, इसका प्रभाव कभी विफल नहीं जाता। टोटके वह क्रिया हैं जो कम समय में आपको लाभ पहुंचाते हैं, आपको पूर्ण रूप से लाभ पहुंचाते हैं। न इसमें मंत्र की जरूरत है, न हवन की, न किसी पंडित को बुलाने की जरूरत है। जो टोटके होते हैं कोई भी व्यक्ति, साधारण से साधारण व्यक्ति कर सकते हैं, इसलिए टोटके का प्रभाव कभी विफल नहीं जाता और इसे साधारण सी क्रिया कहा जाता है। लाल किताब में बताए गए उपाय बताऊंगा, जिस उपाय से आपके भाग्य उदय होंगे, आपको धन की प्राप्ति होंगे। जो मैं उपाय बताऊंगा, मैं किसी स्टॉम्प पेपर में आपको 101% गारंटी दे सकता हूं, इस उपाय को करने के बाद आपके भाग्य चमक जाएंगे, धन दौलत आपको प्राप्त होगा, आपकी इच्छा की पूर्ति होगी। अगर इस वीडियो को एक बार अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखते हैं तो इसमें आपके भाग्य चमक जाएंगे। कोई भी जो जानकारी होती है व्यर्थ नहीं जाती, अभी नहीं तो बाद में चल करके काम आते। वीडियो को अगर आप नहीं देखते तो बाद में पछताना होता है, बाद में हमें पछतावा पड़ता है कि उस वीडियो को हमने क्यों नहीं देखे, जो उपाय बताए, काश आज वह उपाय करते तो आज जो है हम धनवान बने रहते। तो जानकारी बताऊंगा, इससे पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पहला उपाय बता रहा हूँ भाग्य उदय करने के लिए, जब भाग्य स्थिर हो जाए व्यक्ति का, देखिए भाग्य स्थिर होने पर व्यक्ति का विकास नहीं होता, भाग्य अचानक से रुक जाए तो व्यक्ति को काफी परेशानी होता है, जीवन कष्ट से गुजरता है। इन्हीं कष्टों को दूर करने के लिए मैं उपाय बता रहा हूँ, इन उपाय को बहुत ही साधारण से उपाय, इन उपाय को अपना करके आप अपने भाग्य का उदय कर सकते हैं। तो आपको लेना है 7 कौड़ी, और ये आपको कौड़ी लेना है वो पीली कलर की लेनी है। तो 7 कौड़ी आपको लेना है और इसे 7 प्रकार के अलग अलग जो कलर के कपड़े होते हैं उसमें आपको बांधना है, छोटे छोटे से कपड़े रख लेना, 7 कलर के कपड़े में आपको इसे बांध देने हैं। और इसे बांध करके सूर्य उदय के पूर्व किसी भी शुक्रवार के दिन बरगद के 7 प्रकार के जटा में इसे बांधना है। अलग अलग बरगद के जो 7 प्रकार के जटा, उसमें 7 प्रकार की इस कौड़ी को, जो लाल कपड़े हैं, हरा कपड़े, गुलाबी कपड़े, सफेद कपड़े, इस प्रकार के 7 कपड़े ले लेना, इसमें बांधना है आपको। जब मित्रों बरगद की जो जटा है उसमें आपको बांधना है, 7 प्रकार के जटे में आपको इसे बांधना है। यति प्रभावी प्राचीन टोटके हैं, इससे हमारे भाग्य उदय होता है। स्थिर जो हमारे भाग्य हो चुके हैं वो फिर से चमक जाते हैं। भाग्य उदय होने के बाद हमें नौकरी प्राप्त होता है, हमारे व्यवसाय अच्छा चलने लगता है, हमारे कार्य प्रगति होते हैं, हम धनवान बनते हैं। आइए धन प्राप्ति करने का उपाय बता रहा हूँ, ये उपाय 100% काम करते हैं, इसका रिजल्ट कभी विफल नहीं जाता। तो आपको एक साफ एवं स्वच्छ सूखा नारियल लेना है और इसे आपको फोड़ लेना है। नारियल को आपको नुकसान नहीं पहुंचाना है, आपको इसके भेले को निकालना है, जो नारियल का गोल टाइप का होता है, इसे हम अपने बोलचाल की भाषा में भेले बोलते हैं। तो इसके ऊपरी हिस्से को आपको चाकू से काट लेना और इसमें आपको ठूस ठूस करके शक्कर भरना है। जी हां मित्रों, इसमें आपको शक्कर पूरी तरह से भर देना है। फिर शक्कर भरने के बाद इसे आपको पैक कर देना, ऊपर से आपको मौली धागा से इसे बांध देना है, जिसे हम कलावा भी बोल सकते हैं। अब इसे किसी पीपल वृक्ष के नीचे 12 अंगुल का गड्ढा खन करके इसे गाड़ देना है। इस उपाय से धन आता है, कुंडली में धन योग बनता है। देखिए आपको धन कैसे मिलेंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे जैसे चींटी जो है इसके शक्कर को, आप जो नारियल में शक्कर डाले रहेंगे उसे खाना शुरू करेंगे, वैसे वैसे आपको धन आना शुरू होंगे, आपके भाग्य में धन आना शुरू हो जाएंगे। आप चाहे तो इसका पॉजिटिव रिजल्ट तुरंत मिलने के लिए, जल्दी मिलने के लिए इसके नीचे में एक, जब आप गड्ढा खाने रहेंगे उस टाइम में इसके ऊपर में एक बर्फी डाल देना, तो बर्फी को चींटी खाने आएंगे तो इसे जल्द बर्फी खाने के बाद हो सके तो इसे जो है चींटी खाना शुरू कर दे। तो ये 2 उपाय हैं, ये 2 उपाय करके आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं, अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। आशा करता हूँ कि छोटे से ये उपाय आपके जीवन में कारगर साबित होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।